हाउ टू फिक्स स्नैपट्यूब डाउनलोड प्रॉब्लम। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो आपको प्रॉब्लम होता है स्नैपट्यूब से वीडियो डाउनलोड करने के लिए, आपको बहुत सारे परेशानी होती है और बहुत सारे प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं, चाहे वो यूट्यूब का वीडियो चाहे वो कोई भी वीडियो हो, वो आप डाउनलोड नहीं कर पा रहे, तो इस वीडियो के साथ बने रहिएगा। कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है मैं आपको शुरू से लेकर अंत तक कंप्लीट प्रोसेस बताऊंगा, तो वीडियो के साथ बनी रहेगा। और दोस्तों मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को एक लाइक अभी की अभी कर दीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना, ठीक है। तो दोस्तों देखिए इसके लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले तो आपको जाना होगा सेटिंग्स पे, और सेटिंग्स पे जाके आपको स्नैपट्यूब जो है आपको मैनेज करना है। सबसे पहले तो सेटिंग्स पे जाके आप स्क्रॉल डाउन करके एप्लीकेशन मैनेजर पे चले जाएगा, या फिर ऐप्स के नाम से रहेगा, या फिर आपके मोबाइल में इंस्टॉल्ड ऐप्स या फिर ऐप मैनेजमेंट के नाम से रहेगा, ठीक है। जो भी है आप खोल लीजिएगा एप्लीकेशन मैनेजर, उसके बाद में यहाँ पे ऑल एप्लीकेशन सेलेक्ट करके यहाँ पे स्नैपट्यूब ढूंढ लीजिएगा, ठीक है। चलिए हम स्नैपट्यूब ढूंढ लेते हैं, यहाँ पे फटाक से स्नैपट्यूब आ चुका है, सिंपली ओपन कर लीजिए। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पे आपको स्नैपट्यूब कंप्लीट मैनेज करने का ऑप्शन यहाँ पे आपको मिल जाता है, ठीक है। देखिए सबसे पहले तो आपको जाना है स्टोरेज यूसेज पे जाना है, और यहाँ पे इसे क्लियर डाटा कर देना है, इसे क्लियर डाटा कर दीजिएगा। उसके बाद में बैक चले आइए, बैक आने के बाद में दोस्तों यहाँ पे परमिशन पे जाना है, परमिशन पे आने के बाद में दोस्तों यहाँ पे आपका फ़ोन पे चले जाइए, फ़ोन पे आने के बाद में यहाँ पे अलाउ करना है आपको, और यहाँ पे एसएमएस आपको अलाउ करना है, ठीक है। और सेट सब ऑर्डिनेट परमिशन यहाँ पे आप क्लिक कीजिएगा, तो रीड फ़ोन स्टेट्स सेंट एमएमएस ये सारा अलाउ कर दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे डाटा यूसेज पे आपको जाना है, और दोस्तों यहाँ पे नेटवर्क परमिशन पे क्लिक करके यहाँ पे ध्यान रखना कि आपका वाईफाई एन मोबाइल डाटा पे होना चाहिए ये, ठीक है, ये मार्क करके रखना। उसके बाद में बैक चले आइए दोस्तों, बैक आने के बाद में दोस्तों आपको सिंपली जाके अपना स्नैपट्यूब जो है वो ओपन कर लेना है, आपका जितना भी प्रॉब्लम रहेगा वो सारा सॉल्व होके रहेगा, ठीक है। इतना ही है कि यदि आप लॉग्ड इन थे पहले अपने स्नैपट्यूब में तो आपको री लॉग इन करना होगा, आप लॉग आउट हो जाएंगे, ठीक है, आपको लॉग इन करना होगा। तो दोस्तों इस प्रकार से आप जो है अपना प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।